एक्सीलरेशन हम लोगों को दे रखा है ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, यू हमें दे रखा है, यू हमें दे रखा है 6i कैप प्लस 8j कैप। हमें वेलोसिटी बतानी है और ये बताना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। देखो बच्चों, अब कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, u के अंदर i के साथ लिखा हुआ है 6, यानी ये वैल्यू हो गई ux की, ux इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। j का मतलब है y, इसके सामने लिखा हुआ है 8, तो uy की वैल्यू हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यहाँ देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन i के साथ लिखा हुआ है 3, ये वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और y के साथ, j के साथ एक्सेलरेशन में लिखा हुआ है 4। लो यार, ये तो बहुत ही आसान हो गया, इतना आसान तो अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं था। हमने u को देखकर ux और uy बता दिया और a को देखकर ax और ay बता दिया, बहुत ही आसान। टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 2 सेकेंड, टाइम की वैल्यू है मेरे पास में 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं वेलोसिटी। तो लिखते हैं vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। हाँ भाई, ux कितना है 6, ax कितना है 3, टाइम की वैल्यू कितनी है, टाइम है 2, 3 × 2 = 6 एंड 6, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। भाई पुट कर देना यहाँ वैल्यू, हो सकता है कि मुझसे गलती हो जाए, लेकिन तुमसे नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेटली करना। अब निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई की वैल्यू 8, ए वाई की वैल्यू 4, 4 × 2 = 8 = 16 मीटर पर सेकेंड। अरे निकाल दोगे ना यार, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके कैलकुलेट करके निकाल देना, तो वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास में बन गया भाई 12 तो है एक्स की डायरेक्शन में, तो लिख देंगे 12i कैप, और 16 है वाई की डायरेक्शन में, तो यहाँ लिख देंगे 16j कैप। लीजिए साहब, ये तो हो गई हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रहेगी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका है, मोशन की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ किया एक्स की डायरेक्शन में। यू एक्स कितना है अपने पास में 6, टाइम कितना है अपने पास में 2, ए एक्स कितना है 3, टाइम की वैल्यू 2। आइए वैल्यू पुट करते हैं भाई, यू एक्स हो गया 6, टाइम हो गया 2 प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 3, टाइम हो गया 2, 2 स्क्वायर 4, कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 यहाँ पर, 6 × 2 = 12, 3 × 2 = 6, यानी x की वैल्यू निकल गई हमारे पास में 18 मीटर। लो भैया, x निकल गया 18 मीटर। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू, y का फॉर्मूला होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, यू वाई क्या है, यू वाई है 8, टाइम की वैल्यू है 2, आइए वैल्यू पुट करते हैं, ये बनेगा 8 × 2 + 1/2, ए वाई की वैल्यू है मेरे पास में, ए वाई है 4, टाइम की वैल्यू है 2, 2 स्क्वायर 4, कैंसिल आउट, आ जाएगा 2, 16 × 8 = 24, वाई की वैल्यू निकल चुकी है भैया हमारे पास में 24 मीटर। उम्मीद करते हैं कि समझ आई होगी बात। देखो, अगर मुझसे वो डिस्प्लेसमेंट पूछता तो मैं बता देता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करता, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता। लेकिन उसने मुझसे पूछा है बच्चों पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है ये, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर बताने का तरीका है स्टूडेंट। ठीक है, अब बताओ जरा, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई है 18 और वाई की वैल्यू 24, तो लिखेंगे 18i कैप + 24j कैप। ठीक है, जिस बच्चे को i कैप और j कैप के बारे में जानकारी ना हो तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, i कैप का मतलब x की डायरेक्शन से है और j कैप का मतलब y की डायरेक्शन से है।
अगर और डिटेल में जानना है तो वेक्टर वाला चैप्टर पढ़िए, ऑफिस से कॉन्टेक्ट करिए और वेक्टर चैप्टर आप दोबारा से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी बात। तो ये पूरी बात तो मुझे पक्का उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आई होगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके बच्चों, तो नोट किया होगा आप लोगों ने। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है बच्चों, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। ए पार्टिकल मूव इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय, एक्स की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है ये 10 अंडर रूट 3t, ओके स्टूडेंट, और y की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है ये 10t माइनस के टी स्क्वायर। हम लोगों से ये कहा कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं क्या होती है, जब टाइम की वैल्यू जीरो के बराबर होती है तो उस समय पार्टिकल की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है बच्चों। अब हम देखिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट, हम एक काम करते हैं भाई, एक्स को तो वेलोसिटी कहते हैं नहीं, या कहते हैं एक्स को वेलोसिटी? बिल्कुल नहीं, एक्स को वेलोसिटी नहीं कहते हैं। और एक्स की जो वैल्यू है वो टाइम के टर्म में है, और आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा अगर एक्स की वैल्यू को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हमने वैसा ही किया बच्चों, हमने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। अब देखो जैसे ही हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का बन जाएगा dx/dt, यह है हमारे पास में 10√3। टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बन जाएगा 1, समझ आ रही बच्चों बात। और dx/dt को हम नाम देंगे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हमारे पास में ये हो गई बच्चों, ठीक है। हमने इसे वेलोसिटी ना कहकर इनिशियल वेलोसिटी कहा है, क्यों? क्योंकि टाइम का अकेला टर्म था और डिफरेंशिएशन करने के बाद में वही वहां से एलिमिनेट हो गया। टाइम की वैल्यू जीरो पुट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है यहां पर, इसीलिए हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी कहा। यही तो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स की डायरेक्शन में, और यही फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि इसके साथ टाइम का कोई चक्कर नहीं है। टाइम बढ़ेगा फिर भी वेलोसिटी इतनी ही रहने वाली है बच्चों। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये है हमारे पास में वाई की वैल्यू। हम करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन, अगर वाई को वेलोसिटी में बदलना है तो। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे ये बना dy/dt, dy/dt को हम कहेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू इन वाई डायरेक्शन। टाइम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 10 − 2t। लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम ये जो टाइम आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसकी जगह पे जीरो पुट करेंगे। सो ये बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 10 m/s। लो भैया ये हमारे पास में आ गया है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 10√3, और ये हमारे पास में आ गया है इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 10 m/s। और कैसे निकाला, एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी बन गया, वाई का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी बन गया, और अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो टाइम की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा। समझ आ गई बच्चों बात। अब आप देखो इसके बाद भाई, ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल दी, इसके बाद एक बड़ी सुपर पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखो आप लोगों ने देखा कि एक्स की वैल्यू ये है, पार्टिकल किसी रास्ते पर अगर चल रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे बदल रहा है बच्चों, और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है इस इक्वेशन से 10t − t2। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। हम लोगों को ट्रेजेक्ट्री बतानी है, ट्रेजेक्ट्री।
ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री या लोकस, इन दोनों का मतलब एक ही बात से होता है और वो ये है कि पार्टिकल कैसे रास्ते पर चल रहा है, आपको ये बताना है। तो हम एक काम करेंगे स्टूडेंट, हम फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकलेगी x अपॉन टेन अंडर रूट थ्री, और इसे यहाँ से उठाकर यहाँ और यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू टेन x अपॉन टेन अंडर रूट थ्री माइनस, टाइम की जगह रखेंगे x अपॉन टेन अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। लो भैया, ये बन गई हमारे पास में ट्रेजेक्ट्री, और इसी ट्रेजेक्ट्री का दूसरा नाम है लोकस, कि पार्टिकल इस रास्ते पर चल रहा है। बच्चों